गेंदा का फूल लगा हुआ है और बेस्ट क्वालिटी का हाइब्रिड गेंदा है, बड़ा बड़ा है, देख ही रहे हैं, वेरी गुड। और सबसे आकर्षण है यहाँ का कि ये जो है आपका गुलदाउदी जो है, क्राइसेंथेमम भी कई तरह का आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग बामेती के कैंपस में हैं, ठीक है। यहाँ हमेशा सालों भर प्रशिक्षण जो है चलता रहता है और देसी का प्रशिक्षण अभी चल रहा है। आप लोगों की इच्छा हुई यहाँ घूमने के क्रम में, आप लोगों ने देखा सर इस पौधे में किसी किसी में जो है वो अभी लाही का सीजन है और उसका प्रकोप भी हुआ है। लाही के लिए जो है ना, हम चाहते हैं कि कुछ किसान भाइयों को और वैसे लोगों को जो कुछ कम गमला वगैरह में लगाते हैं कुछ पौधा, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दवा रसायन खरीद करके क्या करेंगे, बहुत महंगा कोई चीज़ खरीद करके क्या करेंगे। तो उनकी माने इच्छा रहती है कि काश कुछ कम पैसे में जो है कुछ ऐसा उपाय होता, कोई ऐसा रसायन होता कि, तो हम उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ हमने कहा है आपको फोकस करने के लिए, अगर संभव हो तो यहाँ इसको दिखाइए, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। अभी यह लाही जो है हल्का ग्रीन ही है, ये बाद में थोड़ा ब्लैक भी हो जाता है। और इस तरह का लाही जो है लगभग यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी लाही जो है लगा हुआ है। इसको हम आपको अलग से फोकस करके भी दिखा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जरा क्लोज कर लीजिए प्लीज़, यहाँ से अगर संभव हो तो क्लोज कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो ये हमने अपना व्यक्तिगत देखा है, मेरे भी घर में जब हमने लगाया था तो लाही जो है सरसों वगैरह पर तो लगता ही है, इसमें भी लाही जो है बहुत अधिक लगता है गुलदाउदी में, ठीक है। शायद हमको लगता है डालिया में इससे कुछ कम लगता होगा। तो इसके लिए जो है आप लोगों से भी इंटरेक्शन के आधार पर हम कुछ जो है केमिकल सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो अगर आप चाहें तो पानी में शैम्पू अगर घोल करके थोड़ा तेज फुहारा से आप इस पर शैम्पू का भी जो है ना वो छिड़काव करते हैं, ठीक है, शैम्पू मिले हुए पानी का, तो माना जाता है कि बिल्कुल ये 99% इसका लाही का कंट्रोल जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर आपको रसायन का प्रयोग करना ही है तो दो तीन रसायन जो है इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। एक तो इमीडा क्लोप्रीड से आप सब परिचित हैं पहले से, तो इमीडा क्लोप्रीड 17.8 पावर वाला जो है, ठीक है, उसको जो है कहा तो जाता है कि 1 लीटर पानी में आधा ml भी काम करेगा, मैक्सिमम 1 लीटर पानी में 1 ml तक भी उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इमीडा डाल करके पानी में इसी हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप जो है इसका छिड़काव कीजिएगा तो लाही जो है चाहे इस पे या आपके सरसों वगैरह पर भी है उसमें नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन पूरा जब फूल खिला हुआ सरसों में हो तो उसमें छिड़काव जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, फिर फली की अवस्था में आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा रसायन, ये अभी आप ही लोगों से हमने इंटरेक्ट करके बताने का कोशिश किया कि थायमेक्साम, ठीक है ना, ये एक नया मॉलिक्यूल है, ये बहुत पहले से नहीं चल रहा था, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो थायमेक्साम का जो क्या थायमेक्साम है, थायमेक्साम, ठीक है, तो ये थायमेक्साम जो है इसका 25% ये WG में आता है ना जी, WG में। और सबसे मजेदार चीज आप ही लोगों ने हमको बताया है कि सर इसका 20 रुपये में पुड़िया आ रहा है, ठीक है, तो 20 रुपये में पुड़िया पर है, वो 5 ग्राम का है, उस पुड़िया को लाइए और उस पुड़िया को आप एक टंकी में लगभग 10 से 15 लीटर पानी में उसको आप घोल लीजिए और आपके लिए आसान है, 2-4-10 गमला आपके पास है, मस्ती से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान उपाय हो गया, ठीक है। तीसरा, आप ही लोगों ने बताया कि इसमें सर क्लोरोपाइरीफॉस का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो किसान भाइयों को भी और जो शौकीन लोग हैं बागवानी के उनको हम बता देते हैं कि हमारे देसी के लोगों ने ही बताया कि इसमें क्लोरोपाइरीफॉस का भी इस्तेमाल सर जो है 1 लीटर पानी में मोटा मोटी 2 ml डालेंगे तो हो जाएगा, 2 से 3 ml, नहीं सर 2 ml बहुत, ठीक है, 2 ml बहुत है, 1 लीटर पानी में 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस का भी आप डाल करके छिड़काव करिएगा तो लाही का, क्योंकि ये लाही जो है अभी खास करके गुलदाउदी में बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग भी जाइए, लोगों को बताइए और जो लोग सुन रहे हैं आशा है कि लाभ उठाएंगे। बामेती के सौजन्य से यह वीडियो तैयार हुआ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।